गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपनी बुआ के घर। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आज मेरे घर में मेहंदी और हल्दी का फंक्शन है मेरी दीदी का, जो बुआ की बेटी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रही थी। और ऑलरेडी मैंने कैनोपी वगैरह डिजाइन कर लिया था। एंड यहाँ पे जो मेरे भाई हैं बुआ के बेटे, वो हेल्प कर रहे हैं फ्लावर्स को अरेंज करने में, लगाने में। तो हम लोगों ने गेंदा का जो फूल होता है उसको अच्छे से लगा दिया है एंड कर्व्ड शेप में कर लिया है। देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा वाइट फ्लावर भी रहेगा ना बीच में, तो काफ़ी पॉपअप होगा और ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आने वाला है। एंड यहाँ पर हम लोग ने फेक फ्लावर्स भी लिया था एंड साथ में ना एक लिप्स भी लिया था। तो इसे मैंने ना बेस पे, मतलब जो स्पॉन्ज आता है जो वेडिंग में जिसे बोलते हैं वेट वाला, जो इट बोलते हैं शायद, तो वो वेट स्पॉन्ज में मैंने अच्छे से उसको लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो एक डेकोरेशन आइडिया मिल जाएगा आपको। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो चुका है। और ये मेहंदी वाला बोर्ड भी मुझे यहीं गाँव में ही मिल गया था, तो मैंने वो भी लगा दिया है। तो गाइस, इससे पहले मैम मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, क्या क्या मेरा मन नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँ एक ब्लॉग के रूप में। एक्चुअली आप मेरी जब टाइमलाइन देखोगे मेरे चैनल की, तो मैंने बहुत कम मतलब ब्लॉग डालना स्टार्ट किया है, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं आता है। और मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस हो गई हूँ किसी और चीज़ पर। एंड मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग करना और इसे एडिट करके डालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इसे एज अ पार्ट टाइम, वैसे भी इसे अपना फुल टाइम तो जॉब बनाना नहीं है और ना ही इसे कोई पैसे वैसे का मुझे मतलब है कि इसे मैं कुछ अर्न करूँ, बट यही है कि थोड़ा बहुत आइडिया वगैरह मिल जाता है आप लोगों को, तो मैं इस ब्लॉग कुछ ब्लॉग को बनाती रहूँ। तो आज ना मैं बुआ की बेटी के लिए कुछ अलग सा एक स्पेशल फील कराने के लिए मैंने कुछ करना स्टार्ट किया। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एंड आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो रेडी हो गया था। और यहाँ पे ना मैं वो सेल्फी वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम, वो फ्रेम बना रही हूँ। एंड इस फ्रेम में मैं वो जो फेक फ्लावर मैं लेकर आई थी एंड फेक लिप्स वो वगैरह सब लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारा निकाल रही हूँ। और पता है क्या, मैं ना कल रात में ही यहाँ पर आ गई थी और ये सारा चीज़ मैंने लगा के रखा था इस पॉन्ड में कि जैसे ही ज़रूरत होगी मैं उसमें यूज करूँगी। बट कल रात में हम लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया, तो हम लोग ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह रात में नहीं कर पाए। और सुबह की 7:30 बजे हम लोग को डेडलाइन मिला था कि मतलब हम लोग को इस टाइम पे कर देना है सारा डेकोरेशन, और मेहंदी वाली आ जाएंगी, दीदी का मेहंदी स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, घर के ही सारे मेम्बर हैं जो हमारी बुआ हैं और बुआ की जो देवरानी हैं, नंद हैं, सब लोग आएँगे, सब मेरी बुआ ही लगेंगी। तो सच बताऊँ ना तो मुझे ये वाला काम करने बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस बार ना मैंने कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया है एंड बहुत लिमिटेड चीज़ों में मैंने इस बैकड्रॉप को रेडी किया है। एंड ये जब मैं रेडी कर चुकी थी तो सब लोगों ने कहा था कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल नहीं किया, तो काफ़ी अच्छी लगी तारीफ। मैं आपको दिखाती हूँ बैक रिव्यू कैसा ये लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो फेक फ्लावर का यूज़ किया है ना वो ये रॉड के ऊपर लगाया है। एंड मैंने बैग में ना एक सिंपल सा ग्रीन कलर का मतलब सॉलिड जो बोलते हैं वो कर्टन लगाया था। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने ये फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन किया, मेहंदी लिखा। एंड सबसे पहले तो क्या बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग का डायरेक्शन था ना, हम लोग को रखना था ईस्ट और वेस्ट का, तो इधर से जो रोशनी देख रहे हैं ना, ये सुबह पूरब तरफ से रोशनी आ रही है, धूप आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अरेंजमेंट किया, ये सारी साड़ी ना, मतलब दो साड़ी सी हम लोगों ने ये चार टाइप का कैनोपी बना दिया है। और ये बुआ के पास ऐसी कलरफुल साड़ी थी तो ये काफ़ी अच्छे से जा रहा था इस लुक के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताना। एंड ऐसे ही डेकोरेशन आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग सब जल्दी से अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो बहन है बुआ की बेटी,
थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये दो तो एक दूर की बुआ की बेटी है, तो वो भी मेरी हेल्प कर रही हैं और यहाँ पे प्लेट्स बनाकर ये साड़ी को कवर करेंगे। तो मुझे ना थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा प्लेट्स वगैरह बना के डालेंगे ना तो थोड़ा लगेगा कि कुछ अलग सा है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि चौकी का इस्तेमाल किया गया है, कोई स्टेज परमानेंटली हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले तो मैंने चौकी के ऊपर ना एक थर्मोकोल का सीट रखा था, वो जो थर्मोकोल आते हैं ना जो मतलब किसी इलेक्ट्रिक मतलब मशीन के साथ जो आते हैं, तो वो वाला था, तो वो काफ़ी अच्छा बेस बन गया था। तो मैंने उसमें पेपर पिन की हेल्प से साड़ी को टच किया एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा एक फ्लेयर टाइप से बन रहा था और प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे से बन गए थे। और मैंने इसे पैक करने के बाद ये मेरी साड़ी वाली जो डेकोरेशन है वो रेडी हो गई थी। एंड मैं थोड़ी देर के बाद अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जब सब लोग मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए थे। जब से मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस बार सोचा था कि कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक होता है ना दिल के अंदर कि ये सारी चीज़ें मोमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, कैद होनी चाहिए, ताकि हम लोग को पता रहे कि हम लोगों ने कितना इन्जॉय किया था। तो ये सारी दुआ लोग बैठ के मेहंदी लगवा रही हैं और मेहंदी लगाने वाली भी हमारी घर की हैं, जो लड़कियाँ हैं वही सब लगा रही हैं और दीदी की मेहंदी वहाँ इस मतलब लग रही है जहाँ पे मैंने लैपटॉप रेडी किया था, तो देख सकते हो। और यहाँ पे मेरी भाभी मेहंदी लगा रही है। लग रहा प्रिंट छापा हुआ है, नहीं नहीं छापा हुआ लग रहा है प्रिंट, ऐसे मुझे आ गया है मिलवा में। मेहंदी लगा देते नजर लगा दिल इसका रे पुरुआ पुरुआ बाल में लगा दी। ग्राउंड में आओ तो इन जाऊंगा लोग सुतल सुतल Thank you.
Hold on, 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 h
जमीनियों पर लड़किया के पकड़ा
है ने चलो दोनों जनिया में जा साथ ही रहा जा चप्पल खोल के चप्पल खोल ले जा पहले जोन गिर गल दुए थे तो रुक थोड़ा खिचा दी नदी हर के देखी देखी तू लोग के देखी जाने हर के देखी इधर के हो और हाय हाय कर जाने का जय के देखिए अरे उठ उठ माटी एक औरी पड़ी खाना जा बुचिया के हो कनिया मधु ले हम अपन भौजाई के ना लगाई आइए ना आइए एक बार आइए हमनी के कहां से लगाएंगे ये सब लगा के लगा लगा यानी बात नहीं है हां हमनी के ना लगाओ जी एक ही डोना अरे भैया भैया बिगड़ गए बिया करके बिया करके बिगड़ जाते भैया 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 तूने देखा जा फोटो खींचते चांद के साथ में कहा गलू तीन कर तीन लगैले भाई जय हे दत्त बाल धोइबे करी काल ऑर्गेनिक चीज लागता समधी हो गेल से शरीफ हो गेल सम दिन का भी शरीफ ट्रेन कर देले बड़ा ना अच्छा फोटो हुआ अब्बास
आजा कितना माना करते हैं कि मेरी आज की वीडियो और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने कैसे डेकोरेशन किया और कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जरा से भी एफर्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट। बाय।